सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति में उनके सामान्य जानकारी के बारे में। तो सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित, क्योंकि ये आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति का पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो सामान्य परिचय देखिए, आप जनजाति समुदाय का उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में है। तो देखिए, जो भारत की जनजाति है उसका उल्लेख मिलता है हमें संविधान की 5वीं अनुसूची में, और जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उसका वर्णन जो हमें मिलता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। देखिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में राज्य की जनजातियों का वर्णन है। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों का वर्णन मध्य प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है और पूरे भारत की जनजातियों का उल्लेख जो है संविधान की 5वीं अनुसूची में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रदेश में विद्यमान जनजाति के बारे में। तो इसकी जो प्रजाति है, जो प्रदेश में विद्यमान जनजाति है उसकी प्रजाति जो है वो निग्रिटो व प्रोटो ऑस्ट्रलाइट टाइप है। तो निग्रिटो व प्रोटो ऑस्ट्रलाइट टाइप की जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। आगे देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कुल विद्यमान जनजाति समूह के बारे में। तो यहाँ 42 जनजाति समूह है। इसके बारे में आप देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। तो ये छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां है वो भारत की संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो 42 जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग कुल जनजाति उपसमूह की बात करें तो 161 कुल जनजाति उपसमूह है, 42 जनजाति समूह है और 161 कुल उपजनजाति समूह है। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 29 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हमारे जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है वहां 29 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। आगे बढ़ते हम लोग, राज्य की सबसे साक्षर जनजाति समूह कौन सा है? तो उराव जनजाति। सबसे साक्षर जनजाति जो है वो उराव जनजाति है राज्य में। फिर देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति, तो भतरा जनजाति जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति है। वहीं पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति है मुड़िया जनजाति। फिर है आपका आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उचित, तो उच्च जनजाति हलवा जनजाति। आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति हलवा जनजाति। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं ऊपर से लेकर अभी तक और नीचे जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी, तो वो सारे पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब हर एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि किसे क्या कहा जाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति है हलवा जनजाति। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, तो बैगा जनजाति। अलग से यहाँ पे दिया गया है गोदना प्रिय जनजाति। वहीं पर सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति की बात करें तो झेला, कमार और बैगा, ये तीनों जनजाति जो है वो गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। और गोदना प्रिय जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति जो है गोदना प्रिय जनजाति है। फिर देखिए आप यहाँ पे गोदना गोदने वाली जनजाति की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें ओझा जनजाति जो है सबसे पहले नाम आता है इनका, उसके बाद कंजर, बंजारा और देवार, ये सभी जनजाति जो है गोदना गोदने वाली जनजाति है। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है
और गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सा है? आगे देखिए, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए आप, भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 1,21,05,69,573 है। तो इस जनसंख्या की 8% जो है, 8.61% जो है वो जनजाति संख्या है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 8% जनसंख्या जनजातियों की है। तो टोटल जनसंख्या कितना है? 1,21,00,000 भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, और उसमें 8% जो है वो जनजातियां है, 8.61%। लगभग 10 करोड़ जनसंख्या जो है जनजातियों के अंतर्गत आता है भारत में। आगे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198। याद होना चाहिए आपको मौखिक तौर पर, 2,55,45,198 जो कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। तो काफी ज्यादा जनसंख्या जो है वो जनजातियों के अंतर्गत आती है। तो ये जो है लगभग 78,22,000 जनसंख्या है, जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 78,22,000, जो कि 30.62% है। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो देखिए, पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है जनजाति का मध्य प्रदेश में। उसके बाद नाम आता है झारखंड का, फिर उड़ीसा का, और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या में चौथे नंबर है छत्तीसगढ़ का। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में देखिए, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या में है, और यहाँ पे प्रतिशत के मामले में बात करें तो मिजोरम है। मिजोरम में जो जनजाति प्रतिशत है वो देश में सर्वाधिक है, और जनजाति संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूनतम जनजाति वाला जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। तो जहां सबसे कम प्रतिशत में जनजाति है तो वो है पंजाब। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे जगह है हमारे देश में जहां एक भी जनजाति नहीं है, मतलब 0%, पंजाब में और हरियाणा में। इसके अलावा अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार में कोई भी जनजाति जनसंख्या नहीं है, ना ही लक्षद्वीप में है। तो ये जो चारों जगह है यहाँ एक भी जनजाति जनसंख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति। तो गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति तो गोंड जनजाति। तो भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो गोंड जनजाति जो है भारत में भी सर्वाधिक पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक पाई जाती है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति बोली, तो गोंडी भाषा जो है, जनजाति बोली की गोंडी भाषा जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। इस पॉइंट को आप समझिएगा, जनजाति बोली की बात कर रहे हैं तो गोंडी, वहीं पर छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो है वो हल्बी बोली है। जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है वो हल्बी बोली है, और जनजाति बोली जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाती है वो गोंडी बोली है। दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे कि जनजातियों द्वारा जो बोली जाती है वो हल्बी है, और
गोड़ी बोली जो है वो जनजातियों द्वारा बोली भी जाती है, साथ में अन्य लोगों द्वारा भी गोड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति बोली है गोड़ी। आगे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, देखिए यहाँ पर जनजाति बोली नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ ही, सिंपल सा है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों में कुल लिंगानुपात तो 1020/1000, तो 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में लिंगानुपात। वहीं पर हम लोग बात करें कि छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात कितना है, तो 991/1000। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात है 991/1000, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों की लिंगानुपात है 1020/1000, जहां पर 1000 पुरुष है और 1020 महिला है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में जनजातियों में 0 से 6 वर्ष तक लिंगानुपात तो 992 बालिका है और 1000 बालक है, तो ये जो लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए किस जिला में सर्वाधिक जनजाति है और किस जिला में न्यूनतम जनजाति है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग करके बताया है, जैसे कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार और 27 जिलों के अनुसार। 27 जिलों के अनुसार क्यों बताया है, क्योंकि जनगणना जो हुआ था 2011 में हुआ था, और जो 9 नए जिले बने थे वो 2012 में बने थे। 2011 में 18 जिला था और 2012 में 27 जिला हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार और 27 जिलों के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार सरगुजा में है, लेकिन 27 जिलों के अनुसार बात करें तो जसपुर में है। दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट मेंशन करके पूछा जाएगा कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कितनी है, या फिर 27 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कितनी है, एग्जाम में डायरेक्ट मेंशन करके पूछा जाएगा। फिर है न्यूनतम जनजाति जनसंख्या, तो नारायणपुर में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और बेमेतरा में 27 जिला के अनुसार, बेमेतरा में 27 जिला के अनुसार न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत की बात करें तो बीजापुर में, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बीजापुर पे सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत है ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जनसंख्या है बीजापुर 2011 के अनुसार, सुकमा 27 जिलों के अनुसार। फिर है न्यूनतम जनजाति प्रतिशत की बात करें तो जांजगीर चांपा, 2011 के अनुसार जांजगीर चांपा में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत है, और रायपुर में 27 जिलों के अनुसार। तो ये जो है आपका जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जनजाति के और भी चीजों के बारे में, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी बताया गया आपको जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय, या फिर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा, दोनों चीज जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है।